सब लोग। और मैंने एक्चुअली अब तक एक जो वीडियो डाली है वो प्रोडक्ट रिव्यू की डाली थी, बट उसके बाद मुझे लगा कि जब मुझे अपनी यूट्यूब जर्नी स्टार्ट करनी है तो मुझे उनका नाम लेके ज़रूर करनी चाहिए जिनकी वजह से शायद आज मैं ये शुरू कर रही हूँ। तो आप सब उनको जानते भी होंगे, कोई ऐसा नहीं है कि छोटी मोटी यूट्यूबर हैं तो उनके बारे में आपको पता नहीं होगा, आपको ज़रूर पता होगा उनके बारे में। मैं जिनकी बात कर रही हूँ वो है जसूपर कौर। वो मेरी फेवरेट यूट्यूबर है और मैं इतना प्यार करती हूँ ना उनको, इतना प्यार करती हूँ वो मुझे ही पता है। मैंने आज तक उनकी बहुत सारी, मैं थोड़ी बहुत नहीं कहूँगी, बहुत सारी रेमेडी फॉलो करी है, बहुत सारी। आज से लगभग 2 साल पहले, शायद उसी टाइम पर उनका चैनल स्टार्ट हुआ था जितना मुझे याद है। तो 2 साल पहले मुझे यूट्यूब बहुत अजीब ऐसा लगता था कि क्या है यूट्यूब, क्या होता है इस पर, मुझे नहीं पता था। इस पर हम वीडियो सर्च करते हैं, गाने सुन सकते हैं, जो भी हमारा मन करे वो सब देख सकते हैं, जिस चीज़ के बारे में हमें नहीं पता हो उसके बारे में भी पता कर सकते हैं। तो एक दिन ऐसे ही यूट्यूब खोल लिया मैंने और मेरे आगे उनकी शायद फर्स्ट वीडियो थी वो, जब उन्होंने बीबी क्रीम बनाना बताया था, तो वो मैंने ऐसी देखी। फिर उसके बाद धीरे धीरे उनकी 2-3 दिन बाद मैंने और वीडियोस देखी, मुझे लगा कि हाँ ऐसा कुछ होता है, शायद ये अपनी वीडियोस पे डालती हैं, इनको बहुत कुछ आता होगा, कुछ इस टाइप का मेरे माइंड में आया, तो मैंने देखना भी स्टार्ट कर दिया। उसके बाद जब धीरे 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 मैंने देखा, मुझे समझ में आया कि हाँ यूट्यूब पर एक्चुअली क्या हो रहा है। यूट्यूब पर वो जो उनके अंदर टैलेंट है, जो उनकी नॉलेज है, वो उसको बता रही थी। तो एक दिन जब उसमें ऐसे ही बार बार बोलते थे कि नीचे कमेंट सेक्शन में आपको जो पूछना है वो लिखो, मैंने भी लिखा, और जब फर्स्ट टाइम मुझे उनका रिप्लाई आया मैं इतनी खुश हुई, इतनी खुश हुई, ओ मुझे रिप्लाई आया, एक यूट्यूबर का रिप्लाई आया, मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। उसके बाद मुझे एक दो बार और उनके रिप्लाई आए, मैंने उनकी डेली डेली उनकी रेमेडी फॉलो करनी स्टार्ट कर दी। और मैं डेली ही वो, मतलब जो भी वो बताती थी ना, मैं सोचती थी ये वाला सामान मुझे यहाँ से मिलेगा, ये वाला सामान रसोई में इधर है, क्योंकि वो ज़्यादातर जो भी चीज़ बताती थी उसमें हमें बाहर से कुछ खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती थी, हर चीज़ हमें हमारी किचन से मिल जाती थी। मैंने लगभग 2 महीने पूरे उनकी हर एक रेमेडी फॉलो करी। यू डोंट बिलीव कि मेरी शादी थी 2 महीने बाद। मुझे बहुत पसंद है मेकअप करना, खुद को अच्छे से रखना, अपनी बॉडी की केयर करना, मतलब ये है कि आप घुमा फिरा के कहो मुझे सुंदर लगने का बहुत शौक है। तो मैंने उनकी हर रेमेडी फॉलो करी और जब मेरी 2 महीने बाद शादी थी तो मैंने हर चीज़ मेन, एक बार उन्होंने एक वीडियो शेयर करी थी सेलिन टैबलेट के ऊपर, जो हमारे ये कहीं कहीं ब्लैक हो जाती है स्किन, उसके लिए, तो वो भी मैंने लगभग 1.5 से 2 महीना प्रॉपर यूज़ करा था उसका। तो उसका रिजल्ट ये है, तो आप देखेंगे, आप मेरे अब तक मेरी ये चीज़ ब्लैक नहीं है, 2 साल पहले की बात बता रही हूँ। तब मैंने 1-2 महीने जो ट्राई करा वो अब तक है। अब ये देखिए, ये यहाँ पे भी मेरे काफ़ी ब्लैकनेस रहती थी, वो भी सब गायब। तो मैंने अपनी शादी में एक पार्लर तक बुक नहीं करा था प्री ब्राइडल के लिए, खुद की पैम्परिंग ली और मैंने खुद ही खुद को तैयार करा हर चीज़ के लिए, बॉडी पॉलिशिंग से लेकर हर चीज़ मैंने घर पर करी, खुद करी। उसका रिजल्ट है कि मेरी स्किन काफ़ी ग्लोइंग भी रहती है, क्योंकि मैं कुछ ना कुछ ट्राई करती रहती हूँ। मेकअप मुझे करना पसंद है वो मैं जानती हूँ, बट जो बाकी चीज़ें हैं वो मैंने उनसे सीखी। वो एक बहुत अच्छी यूट्यूबर है, उनकी वीडियो देखने में इंटरेस्ट इसलिए आता था क्योंकि लगता था कि हाँ कि कोई फ्रेंड है अपना, क्योंकि उनका बात करने का तरीका ही ऐसा था कि वो हम लोगों के जैसे ही है। तो मैंने धीरे धीरे बहुत कुछ उन्हीं से ही सीखा और मैं चाहती हूँ कि और भी बहुत सारे जो ऐसी लड़कियां हैं, खुद को पसंद करती हैं, खुद को अच्छा देखना चाहती हैं, तो जितना मैंने उनसे सीखा है और जितनी नॉलेज मेरी खुद की है, तो मैं चाहूँगी कि आप लोग भी मुझसे मेरा जो एक्सपीरियंस है, उनसे सीखा हुआ कुछ जो मुझ में ही अंदर से स्टार्टिंग से है, वो चीज़ आप देखें, मुझे बताएं कि आपको क्या चीज़ पसंद आ रही है। मैं अपना एक लुक स्क्रीन पर शो कर दूंगी, अगर आपको वो अच्छा लग रहा है तो आप प्लीज़ मुझे बताइएगा, मैं आपको बताऊंगी वो लुक मैंने कैसे क्रिएट करा था और किस ड्रेस के साथ आपको किस तरह की लिपस्टिक यूज़ करनी है या किस तरह का लाइनर लगाना चाहिए या जो भी है, सब आप मुझे बताइएगा, तो मैं आपको उसकी वीडियो में बना के दूंगी और उसका ट्यूटोरियल आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। और बाकी ये जो मेरी वीडियो है ये फुल्ली मैंने जे सुपर कौर दी के ऊपर ही बनाई है, जिससे मैं उनको ये एक्सप्रेस कर सकूँ। आई विश वो मेरी इस वीडियो को देखें और उनको पता चले कि
एक ऐसी लड़की भी है जिन्होंने उनसे बहुत कुछ सीखा है, और आज उन्हीं की वजह से मतलब मैं बहुत सारी चीज़ों को जान गई हूँ कि कैसे करते हैं या खुद का ख्याल कैसे रखते हैं। सिर्फ मैं तो ये था बहुत सारी चीज़ों से थी अनजान के, नहीं स्किन तो ऐसी है तो ऐसी ही रहेगी, बट नहीं जब इसमें धीरे धीरे चेंजेस आते हैं तो उसका केयर कैसे करना होता है वो मैंने उनसे सीखा। तो थैंक यू सो मच दी, मैं चाहूँगी कि आपकी आगे और भी ज़्यादा वीडियो मैं फॉलो करूँ, और सबसे ज़्यादा मेन वीडियो जो इनकी होती थी लिपस्टिक बनाने की और जेल लाइनर बनाने की, ये सब भी मैंने बहुत फॉलो करी थी। और अपनी शादी के टाइम पर मैं एक अलग से इतना बड़ा बैग लेकर आई थी जिसमें मैंने सिर्फ ये सब चीज़ें बनाई थी, उसमें चाहे बॉडी लोशन हो, चाहे लिपस्टिक हो, चाहे आपका जेल आईलाइनर हो, कोई भी चीज़ मैंने मार्केट से नहीं खरीदी थी, सब कुछ उनके जैसा उन्होंने बताया था होममेड वो ही बना के लाई थी। और उनका वो सैलिन वाला जो वो वाटर बताती थी वो तो मैंने इतने लोगों को बताया आज तक, इतने लोगों को बहुत ज़्यादा। तो थैंक यू सो मच दी इतनी अच्छी अच्छी वीडियो बनाने के लिए, और बाकी आप सब लोग मुझे ये चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और इस वीडियो को इतना 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 लाइक करो कि ये एक बार जे सुपर कौर दी ज़रूर देखें और उनको पता चले कि उनकी एक फ़ैन यूट्यूब पर भी है। तो आज के लिए बस इतना ही, और नेक्स्ट टाइम जब मैं वीडियो लेकर आऊँगी तो वो एक मेकअप ट्यूटोरियल ही लेकर आऊँगी। आई विश आप सबको वो पसंद आए, आप सब लाइक करो, थोड़ा सा वेट करो, ज़्यादा दिन नहीं, जल्दी लेकर आऊँगी और आपको बताऊँगी कि मैं बहुत ही कम प्रोडक्ट यूज़ करके खुद को कैसे पैम्पर करती हूँ, मतलब मुझे कैसे लगता है कि बहुत ज़्यादा नहीं यूज़ करना। और कुछ प्रोडक्ट्स मैं आपके सामने ऐसे भी लेकर आऊँगी जिनको आप डेली में यूज़ कर सकते हो, और कुछ ऐसे जिनको आप कभी कभी के लिए रख सकते हो, क्योंकि हम लड़कियाँ हमारे माइंड में बहुत रहता है इसको बहुत थोड़ा यूज़ करेंगे तो ये आगे के लिए काम आएगा, तो बस वही वाले प्रोडक्ट भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ठीक है, लव यू ऑल।